लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवी वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो ते इस वीडियो नूं होरां नाल वध तो वध शेयर करो। जीवन विच विशेष करके विद्यार्थी जीवन विच वाचन की पढ़न कौशल या पठन कौशल की की महत्ता, उहदी लोड़ की है, यानी इंपोर्टेंस एंड नीड ऑफ रीडिंग स्किल। पहली गल देखते हाँ भी जदों असी रीडिंग स्किल कर लें, कुशलता प्राप्त कर लें, फिर पढ़िया लिखे शुमार हो जाते। पहली गल है भी जी वाचन की पठन की पढ़न की जी सूझ है, पढ़न का जोड़ा गुण है ना, वह सानू पढ़िया लिखिया भी शुमार करा देता है, क्योंकि पढ़ना भी कला है। कितने उचार चढ़ाया है, कविता किदा पढ़नी है, उदासी वाली, खुशी वाली, हास रस वाली किदा पढ़नी है, नावल नाटक किस तरह पढ़ने ने, और अखबार पढ़नी, अखबारों में बयान करना, यह जो सारी कला है भी जो पठन है ना, वाचन जेड़ा एक कला है, और यह सब लिए जरूरी है। सब लिए इस करके जरूरी है क्योंकि इसका लाभ कोई अमीर और गरीब दोनों उठा सकते हैं, उच्चा तो नीवा दोनों इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह जो संसार है यह प्रगतिशील है, एक एक पल चेंज हो रहा है, एक एक पल तरक्की कर रहा है, नवीं तकनीकां, आधुनिक विचार, हर चीज़ नवी आ रही है। इसका मतलब जे कोई पढ़िया लिखा है तो वह फिर उस प्रगतिशील संसार का हानि उसके नाल कदम मेल के चल सकता है। जे बंदा बहुत बुद्धिमान है, जिदा पहले समय से बहुत बुद्धिमान लोग पिंडा चाहे भी बहुत बुद्धिमान है पर पढ़े लिखे नहीं है, जो उसनों पढ़ना लिखना नहीं आता तो बुद्धिमान होने के बावजूद उसनों अनपढ़ मनाया जाता है, और जो अनपढ़ा एक कलंक है, अनपढ़ता का अनपढ़ होना कलंक है, इस करके वो बंदा पराधीन हो जाता है। जिदा असी अपने अज तो मैं 15-20 साल पहले की गल है, जो मैं बसा जाता सी तो उदों कई लोग इदा होंगे बच्चा यह दस बस का नंबर की है, भी लोगों को बस का नंबर भी नहीं पता, इस करके वो बस जां तां निकल जाती है जां गलत जगह पहुँच जाते हैं, जां उसते किस जगह पर जानी है, एक तो अक्षर नहीं समझ आते, दूजा नंबर नहीं समझ आते। मनुख बुद्धिमान होवे, पढ़ना लिखना ना जानता होवे, इस करके बुद्धिमान बंदा भी पराधीन हो जाता है, दूजे पढ़े लिखे ते आश्रित होकर रह जाता है। इसका मतलब पढ़े लिखे में शुमार होने लिए वाचन की पठन की या पढ़न की जो गुण है, जो कौशल है, उसकी बहुत लोड़ है, बहुत महत्ता है। अगली गल है ज्ञान प्राप्ति का साधन, भी जितना भी दुनिया च ज्ञान है, भावें वह जमाती ज्ञान होए, यानी प्राइमरी ज्ञान है, मिडिल ज्ञान है, स्कूली ज्ञान है, कॉलेज का ज्ञान है, अगे पोलीटैक्निक्स है, उस तो अगे होर चीज़ों का व्डे तो व्डा ज्ञान, छोटा छोटा जो ज्ञान है, वह जो सारा ज्ञान है वह सारा पठन के उत्ते आधारित है। इसका मतलब भी ज्ञान का विकास और विस्तार, यानी जो उसका विकास हो रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, उसका विस्तार एक्सपेंड हो रहा है ज्ञान बहुत ज़्यादा। पहले थोड़ा ज्ञान सी, समाजिक ज्ञान की एक किताब होंगी, इस समय समाजिक ज्ञान दार किताबा ने, मैथ्स के होर अगे रूप चल पे, इस तरह साइंस के होर तीन कई किताबा ने, एक किताब दो दो तीन दिन, इसका मतलब ऐ नहीं जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि ज्ञान का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। इस करके हरेक विषय पर नवें नवें खोजा हो रही हैं, नवे नवे तजर्बे किए जा रहे, उन सारे उत्ते कोई ना कोई पुस्तक या कोई ना कोई लिटरेचर, कोई ना कोई लिखती गल लिखी जा रही है। और जिन्हें किते ने, पहले सिर्फ किते होंगे सी भी कोई मास्टर है, कोई ड्राइवर है, या कोई होर है, कोई होर है। इस समय जे साइंस में ही लो तो कितने सैकड़े तरह के किते प्रोफेसन निकल आए हैं, जे कॉमर्स लिए कितने सैकड़े तरह के किते निकल आए हैं, जे असी भाषण के तौर पर लिए तो कितने तरह के किते, कितने तरह के प्रोफेसन निकल आए हैं। यह जो सारे नवीं खोजा, नवे तजर्बे हो रहे हैं, नवे किते निकल रहे हैं, वो सारी नवी जानकारी सिर्फ पठन से, पढ़न की शुभ कौशल से आधारित है। जिहड़ा बंदा पढ़ेगा नहीं, पठन नहीं करेगा, या उसका वाचन ठीक नहीं होएगा, वो इस ज्ञान की प्राप्ति के साधन तो जिहड़ा विरवा रह जाएगा, वो खाली रह जाएगा। इस करके जितना भी नवीन ज्ञान है सब पुस्तकों के विच है, और पुस्तकों तो ही बंदे नूं पढ़ के मिलता है। असी गल कीती सी भी ज़्यादातर जो अध्यापक और सिक्षण, यानी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, वह मौखिक उत्ते, यानी 80% तो ज़्यादा मौखिक उत्ते आधारित है। पर मौखिक तो बाद फिर रीडिंग की भी तो गल आती है ना, बंदा जो है वह सैल्फ स्टडी भी तो करता है ना, वो अपनी किताबां या हेल्प बुक्स या रेफरेंस बुक खोल के देखता है, तो जो ज्ञान उसने सुन लिया उसको होर पक्का करने लिए उसनों रीडिंग करना, होर पुस्तकें पढ़निया, पठन करना, वो बहुत जरूरी है। तो जिन्ना भी नवीन ज्ञान है सारा पुस्तकों तो मिलता है, और बिना वाचन तो इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जे बंदा सोचे मैं सिर्फ सुन के ही, जे विद्यार्थी सोचे सिर्फ सुन के ही मैं अपनी विद्या विच परीक्षा विच पास हो जावगा, जब तक खुद
बैठ के पुस्तकों की सैल्फ स्टडी नहीं करेगा, जो तक वह पठन नहीं करेगा, उसकी शख्सियत में ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता या जिस तरह चाहिए उस तरह का सुधार नहीं हो सकता। इसका मतलब है भी ज्ञान की प्राप्ति का साधन है वाचन, पठन या पढ़न। तीजी गल है सिक्ख्या प्राप्ति भी सहायक। सब तो वड्डी गल, क्योंकि असीं स्कूल च गल कर रहे हैं, असीं अध्यापकां दे भर्ती इम्तिहान की गल कर रहे हैं, इस विच सब तो वड्डी गल है भी सिक्ख्या प्राप्ति भी जो पठन है, पढ़ना है या जो वाचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि वाचन तो बिना जितनी भी सिक्ख्या प्रणाली है, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है, अध्यापन और सीखण प्रोसैस है, वह पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल असंभव है वाचन तो बिना सिक्ख्या, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जो उसके बैग च पुस्तक ने उसके ज्ञान का आधार है। बिना उन्होंने पुस्तकों के पढ़े, बिना होर बुक्स के पढ़े, बिना अखबारों के पढ़े, बिना मैगजीना के पढ़े, ज्ञान की संपूर्णता नहीं, ज्ञान तो कभी भी संपूर्ण नहीं है। ज्ञान तो हमेशा, क्योंकि दसाया, विकास करता और विस्तार नहीं एक्सपैंड होंगे। इस करके इन पुस्तकों तो ज्ञान लैके सिक्ख्या की प्राप्ति होंगी है। इस करके वाचन तो बिना जो सिक्ख्या प्राप्ति है अधूरी है। और जिन्ने विषय ने, भावें वह मैथ्स है, पंजाबी है, हिंदी है, जोग्राफी है, जितने भी असंख विषय ने, उन्हें सब का जो ज्ञान है वह सिर्फ पठन करके ही आ सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस में, अध्यापन सीखने प्रोसैस में अध्यापक को पढ़ाने तो पहला खुद पढ़ना पैंदा है, खुद सिक्ख्या प्राप्त करनी पैंदी है। और विद्यार्थी की तो पूरी दी पूरी सिक्ख्या प्राप्ति ही पढ़न ते पठन ते आधारित है, मौखिक सुनता है और अपनी पुस्तकों तो पढ़ता है। इस करके सिक्ख्या प्राप्ति बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा लोड़वंद जी है वह पाठन है। पुस्तक पाठ पुस्तक तो पढ़ाई होंगी है, वाचन होंगे, उस तो बाद प्रीख्या दी जाती है, यानी जो भी काम है सारा, यह सारा पठन के कौशल उत्ते आधारित। इस करके इसकी बहुत लोड़ है। अगली गल है समाजिक उपयोगिता। असी घर विच हाँ, घर तो बाहर बाजार विच हाँ, या इस तो अलावा होर कई इस तरह के नहीं, सारे इस तरह के टिकाने ने जिथे पढ़न तो बिना गुजारा नहीं। बाहर निकलते हैं, गड्डिया के नंबर है, साइन बोर्ड्स ने, इस तो अलावा होर जितने भी समाजिक व्यवहार ने, घर विच या घर तो बाहर, समाज विच, भावें किसी भी कोई भी खेत्र है, भावें धार्मिक है, समाजिक है, राजसी खेत्र है, आर्थिक खेत्र है, सभ्याचारक है, कोई भी खेत्र है, उन्हें सब जो समाजिक व्यवहार चलते ने, जो सोशल बिहेवियर ने, वो सारे पठन उत्ते ही आधारित ने। जिन्ने जिंदगी भर जिंदगी दे कम्मां विच सानू कई चिट्ठी पत्र लिखने पैंदे आ, प्राप्त करने पैंदे आ, सानू कई संदेशे पढ़ने पैंदे आ, कई देने पैंदे आ, कई आदेश निर्देश पढ़ने पैंदे आ, देने पैंदे आ, वो जितने भी समाजिक सरोकार ने, जितने भी समाजिक कार्यां लई पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिते भी असी जाने उत्थे कोई ना कोई चीज़ लिखी है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन है। जे असी उन्हां नूं पढ़ना जाणदे होवांगे, विद्यार्थी जाणदा होवेगा, तां उह समाजिक एक उपयोगी भूमिका निभा सकदा, एक यूटिलिटी है, भी सोशल यूटिलिटी है पठन करना, पढ़ना या वाचन करना। पंजवां पॉइंट है मन परचावे दा साधन। यह तो सारे लिए जरूरी है, क्योंकि बंदा जदों अपने घर विच हुंदा है या यात्रा विच हुंदा है या खाली समय विच हुंदा है, जितने उहदे रुझेवें तो खाली हुंदा है, उस समय जदों वेला हुंदा है तो वह कोई ना कोई चीज़ पढ़ता है, भावें वह अजकल मोबाइल ते टैक्सट पढ़ते हैं या लैपटॉप ते कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, वो जो सारी चीज़ है वह पठन ते आधारित। इस तों अलावा कविता, नावल, नाटक, निबंध, इस विच जो लोग पढ़े लिखे ने, इस कौशल विच निपुण ने, पठन दे कौशल विच, पढ़न दे कौशल विच, वाचन दे कौशल विच, और इसका आनंद माण सकते हैं। और जो अखबारें पढ़ना, मैगजीन पढ़ना या होर जो टैक्सट पढ़ना मोबाइल तो, यह सानू मानसिक थकावट तो छुटकारा देंदे। इसका मतलब अज की जिंदगी जे कोई पढ़िया लिखा नहीं है तो उसकी जिंदगी बहुत नीरस है, क्योंकि जे वो पढ़ना नहीं जानता फिर जिंदगी का वह स्वाद नहीं माण सकता। वाचन की महत्ता का जो छेवां पॉइंट है वह है लोकतंत्री महत्व, यानी डेमोक्रेटिक इंपोर्टेंस की है दा, भी जो साडा संविधान है ना, हरेक नू अपने विचार प्रगट करन दी खुल दिंदा है। हरेक किसे जन्म से अधिकार है कि अपने विचारां नू वो प्रगटा सके, यह साडा मौलिक अधिकार भी शामिल है। परंतु जदों बंदा मौखिकता करता ही है, मौखिकता अपने विचारों का प्रगट करता है, परंतु हर थां अपने मौखिक विचारों का प्रगट करना, विशेष जिदा नेता लोग ने, उन्हां लई हर थां जाके भाषण देना जिहड़ा वह संभव नहीं है। इस करके उन्हां दे जो भाषण ने, जो विचार ने, या जो भी समाज बदलाव ने, जिन्हें बदलावों दल्ला होंदिया है लोकतंत्र के अधीन रह के, वो सारी पत्रिकावों, अखबारों, पत्रों में छपदिया ने, तो लोग पढ़ के उन्होंने उन्होंने भाषण विचार बदलाव के नुकत्या तो जाण होंगे। इसका मतलब भी जो गल मौखिक है, जब तक उसका लिखित आधार नहीं है, वह लिखित रूप अवेलेबल नहीं है,
उपलब्ध नहीं है, मुहैया नहीं है, उदों तक जिहड़ा यह सारी जो लोकतंत्रिक स्वतंत्रता है या लोकतंत्रिक महत्व है, यह कोई लाभदायक नहीं। इसका मतलब पढ़े लिखे होने का यह भी लाभ है कि लोकतंत्रिक विचारों नूं वो सुन भी सकता है, और सुनने तो बाद जो वो लिखा जाता है तो सदीवी काल लई वो एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट होकर जिहड़ा ना वो स्थापित हो जाता है। इस करके पढ़ के इन्हां चीज़ों तो जाणू होईदा है, सफल उही नेता है, सफल उही व्यक्ति है, सफल लोकतंत्र विच उही है जिसनों वाचन दी यानी रीडिंग दी व्यवहारिक कौशल आंदा है, जिसनों रीडिंग दा प्रैक्टिकल कौशल आंदा है। इसका मतलब है इस लोकतंत्र विच, इस डेमोक्रेसी विच वाचन दी, पठन दी और पढ़न दी अपनी बहुत महानता है। अगे वाचन दी महत्ता दा जो पॉइंट है वो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण विच सहाई। आलोचना दा मतलब निंदा नहीं, आलोचना बुराई नहीं, आलोचना दा मतलब है किसी चीज़ दी चंगियाई जां बुराई, हरेक नुक्ते तो उस नू उसकी एग्जिस्टेंस नू उसकी होंद नू असी साबित करदे आ, उस नू आलोचना कहने आ। आलोचना दा मतलब निंदा नहीं, आलोचना दा मतलब है निंदा नहीं, आलोचना दा मतलब है भी बौद्धिक तौर ते किसी गल नू ठीक जां गलत साबित करना, जे ठीक है तो उहदे नुक्ते भी पेश करना, जे गलत है तो उस नू भी किसी कसवटी उत्ते परखना। आलोचनात्मक दृष्टि तो भी जो वाचन है, जो पढ़ना, जो पठन है बहुत सहायक है, क्योंकि जो साडा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है यानी क्रिटिसिज्म वाला साडा एटीट्यूड है, वो साडे मानसिक ते बौद्धिक विकास लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जदों तक साडा मानसिक बौद्धिक विकास नहीं हो पाता असी पूरी तरीके नाल आलोचना ही नहीं कर पाते। यह जो विकास है बुद्धि का आलोचनात्मक दृष्टि का, यह पठन तो बिना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बड़े अहम बदलाव हो रहे, समाज में बदलाव हो रहे हैं, धार्मिक खेत्र में भी, आर्थिक खेत्र नहीं, इकोनॉमिकल तौर पर ही बड़े बदलाव आ रहे हैं, राशि विकास भी ने, इन सारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण का बहुत वड्डा योगदान है। जे समाज में सही दिशा देनी है सानू पता लगना करना पेगा कि जो अज का अर्थ व्यवस्था है, अज का जो समाज है, अज की राशि व्यवस्था है, वो कितने तक इस समाज के अनुकूल है, कितने तक नहीं है, यही आलोचना है। आलोचना का मतलब उसके पॉजिटिव ते नैगेटिव नू घड़ के जान के उसका एक मानता योग रूप दस्या जाए, उन्हें असी आलोचना कहने हैं। यह जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है तां विकसित होएगा जे अध्ययन विच रुचि है। अध्ययन का मतलब पढ़ना, पर पढ़ना भी किस तरह, पढ़ना भी इस तरह का भी उच्चा और मौन तरीके नाल पढ़ के किसी चीज़ नू विचारां दे अधीन लिया के उसका वाचन करना। अध्ययन का मतलब गंभीर तौर पर उसके तत्थों नू ग्रहण करना, उसके पॉजिटिव नैगेटिव के बारे अपने विचार जिहड़े ना वो बनाना, उन्होंने कढ़ना। इस करके तां विकसित है जे किसी बंदे दी अध्ययन विच रुचि है। अध्ययन का मतलब ही है वाचन, अध्ययन का मतलब पढ़ना, अध्ययन का मतलब उसनू एनालाइज करना, उसनू सही तरीके उस गहराइयां तक जानना। इसका मतलब जो अध्ययन है वह वाचन का एक विकसित रूप है जिस उच्ची अवस्था का अध्ययन किया जाता है, पठन किया जाता है, पर वो भी मौन रह के पठन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है सभ्याचारक महानता का आनंद, जो साडा कल्चर है, संस्कृति है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और एक अनपढ़ बंदे नूं कल्चर बारे इन्ना ही पता है भी पहरावा कल्चर जांदा है, खाना पीना कल्चर जांदा है, या भंगड़े बोलियां गिद्धा वगैरह यह कल्चर जांदा है, परंतु यह कल्चर दे सभ्याचार दे बहुत छोटे जे आयाम ने, बहुत छोटा जा रूप ने, बहुत छोटा जा हिस्सा है। जे किसी बंदे ने सभ्याचारक तरक्की का, सभ्याचार दे व्यापकता का, विशालता का आनंद लेना है, उस लिए उसनों पठन दे विच पठन का कौशल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सभ्याचार सानू हुण दिख रहा उस तो पिछे कितने हज़ारों सालों का साडा सभ्याचार है, वो सारा पुस्तकों विच, ग्रंथों विच, महान रचनावां विच जो दर्ज होया पिया, उस सभ्याचार नू पढ़न लई, उस सभ्याचार नू जानन लई सानू उन्हां दा पठन, उन्हां दा पढ़ना, उन्हां दा वाचना बहुत जरूरी है। जे बंदा अनपढ़ होएगा तो जिहड़ा उहदा दायरा बड़ा छोटा रह जाएगा, जिदा ही तो वह पढ़ लिख के अनपढ़ता तो साक्षरता तक आएगा, पढ़े लिखे वाला आएगा, तो हौली हौली जो दायरा समीत दायरा छोटा दायरा वह विशाल होता जाएगा, तो वह सभ्याचार के संपूर्ण आनंद माण सकता है। अगली गल, नौवीं गल, आदर्श नागरिक बनने सहाई। हुण जे बंदा शुद्ध वाचन करता है, उसकी वाचन विच उसे इस कौशल शुद्धता है, उसनू वार्तालाप दा वल आंदा, उसनू ढंग आंदा, तो वह जिहड़ा बंदा है ना वो देश समाज और जाति के कल्याण लिए बहुत वड्डा योगदान पा सकता है। इसका सारी गल का, इस सारे गुण का जो आधार है वह पठन कौशल ही है। लास्ट है साडा शख्सियत का विकास, बंदे की परसनैलिटी का विकास, और असी है बंदे की ना मतलब भी असी विद्यार्थियों की गल कर रहे हैं, विद्यार्थियों ने जिन्हें अगे जाके समाज के विकास में योगदान पाना है, तो
उन्हां दी शख्सियत दा विकास हुंदा है पठन दे कौशल नाल, वाचन या पढ़न दे कौशल नाल। शख्सियत दा विकास एक मनोविज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी किसी बंदे दे मन विच कोई जिज्ञासा पैदा हुंदी है, जिज्ञासा पैदा हुंदी है, उहदे संबंधी साहित पढ़दा है, उहनूं वाचदा है, पढ़दा है, उस तों बाद उसकी जो जिज्ञासा है, जो तृष्णा है मन च, इच्छा पैदा हुई किसी नूं जानण दी, उह उसदी तृप्ति हो गई। जिदां तृप्ति हुई ते इस तरह ही पठन करदा होया, वाचन करदा करदा उहदी शख्सियत दा बहुपक्खी विकास हो जांदा है। ते इस तरह पठन नाल उसकी बुद्धि दा शख्सियत दा विकास हुंदा है। तो जो अनपढ़ बंदा वह भी पठन करके या पढ़न दियाँ वाचन की कुशलता प्राप्त करके एक चंगा नागरिक, चंगा इंसान बन सकता है। वाचन कौशल यानी रीडिंग स्किल दे हुण आपां अखीर ते पहुँचते हाँ। जो असी गल करते हैं भी यह जो इतनी सारी गल आपां कीती है जो कौशल वधाउण दी, भी वाचन जो कौशल है, जो रीडिंग स्किल है, उसका उद्देश की है, भी रीडिंग स्किल का इन्ना जोर क्यों दिता जाता है। फिर असी इस बारे पॉइंट्स देखते हैं भी वाचन यानी पठन यानी पढ़न के उद्देश की है, इस कौशल को बढ़ाने के उद्देश की है। फिर पता लगता है भी विद्यार्थियों को शब्द दुनिया का उचित ज्ञान कराना, भी जो दुनिया ने उसका सही प्रयोग सिखाना, शुद्ध प्रयोग सिखाना, उन्होंने जो त्रुटियां ने तो उसको ठीक करना। जिदा असीं शब्द कौशल की गल की सी भी इन सारे का काम है, बच्चे विच अणजाणे जाने आ चुकियां त्रुटियां, भावें उच्चारण त्रुटियां ने, भावें उस दियां पिछों भाषाई त्रुटियां, आंचलिक त्रुटियां जिहड़ी उस विच आ गईयां ने, जां किसे शरीरिक कमी करके जो त्रुटियां आ गईयां ने, इन सारियां त्रुटियां नूं पहले वेखना, उसनों ऑबजर्व करना, फिर उसनों दूर करन दे जतन करना, उस दियां कमियां नूं ठीक करके उसनों चारों कौशलों विच निपुण कर देना, जिहड़े ने सुनन कौशल, उस तों बाद बोलन कौशल, फिर पठन कौशल है, उस तों बाद साडा आएगा लिखण कौशल। उद्देश की ने भी विद्यार्थियों को शब्द धुनिया का उचित ज्ञान करा, जो शब्द धुनी है बच्चा धुनिया के प्रयोग विच, धुनिया की पछाण विच किते कोई अणदेखी ना करे और गलती कोई ना करे। उस तो बाद लिपिबद्ध जो भी लिखा होया है, भावें कविता है, भावें वार्तक यानी प्रोज है, गद्य है या पद्य है, उसके शुद्ध उच्चारण का उसनों वल आ जाए, उसनों ज्ञान आ जाए, और हरेक जो कविता जो वार्तक है अपने भाव अनुसार, अपने अपने सुभा के अनुसार उसका उतार चढ़ावे, उस नूं वेखदे सार, उस नूं पढ़दे सार, उस दे रीडिंग दे दौरान उसका उतार चढ़ाव नाल पढ़न दी उस विच समर्था पैदा होवे। जिद्दां ही उसनूं पता लगे भी इस कविता, इस वार्तक का भाव इदां शुरू हुंदा है, इस विच इह भावना लुकी हुई है, उस समय अपने आप नूं मोल्ड करके उसके अधीन वह पढ़ना शुरू कर देवे, जिहड़ा कि प्रभावशाली पढ़ना होवे। तीजी गल है हरेक शब्द उत्ते उचित बल देना और पढ़ना सिखाउणा। यह जो पाठन उद्देश है, पाठन कौशल का, वाचन कौशल का, यह है कि हरेक शब्द उत्ते कित्थे उन्हें स्ट्रेस देना, कित्थे बल देना है, उहदा उसनूं ज्ञान आ जावे। दूजी गल है, अगली गल है विश्राम का ज्ञान, भी कित्थे रुकना है, कित्थे बल देना है, कित्थे अगे चलना है, उहदा जो फ्लो है, उचित गति यानी जिहड़ा फ्लो है उसका पढ़न का, ना बहुत धीमा होवे ना बहुत फास्ट होवे। यह जो सारिया गल्लां ने यह वाचन या पठन के उद्देशों विच आउंदियां। पंजवीं गल है वो बच्चा जो लिखा होया है, जो उसकी किताब विच है, जो उसकी समग्री विच है, उसनों पढ़ सके, पढ़ना काफ़ी नहीं, उसका भाव समझ सके, भाव समझना भी काफ़ी नहीं, वो अपनी गलू उस गलू होरना समझा भी सके, यानी यह गल है पढ़न की, भाव समझन की, और दूजियां तक वो गल पहुँचा देन की। इस करके भाव समझना, पढ़ना भाव समझना और दूजे समझा सकना, यह इस वाचन यानी पठन के उद्देशों में बहुत अहम गल है। अगली गल है वाचन का ढंग, भी जो पढ़ता है तो पढ़न का ढंग की है, वो विषय के अनुकूल, जो बॉडी लैंग्वेज है, अंग संचालन है, अंग संचालन वो ठीक हो, जो असं पढ़ते हाँ साड़िया अखा, साडा मूँह, साडे हथ, साड़ी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, यानी जो पूरा अंग संचालन है, वो इस तरह हो कि उस लिखी हुई जो लिखित समग्री है, जो उसका पठन होवे तां उस जो अंग संचालन दे नाल है, उसका पूरा जो मैसेज है, पूरा जो संदेश है, वह श्रोता तक या पाठक तक पहुँच सके। इस करके यह पठन की एक उद्देश है भी जदों पढ़िया जाए तो बच्चा इस तरह जुगत नाल, इस तरह कौशल नाल पढ़े कि उसका जो अंग संचालन है वो इस तरह का होवे कि लिखी गई गल का पूरा भाव श्रोता तक जा सके। अगली गल है वाचन राही यानी पढ़न राही शब्द भंडार विच वाधा करना। बच्चा जदों ही पढ़ना सीखता है, जिहड़े उस विच नवें नवें शब्द आते उन्हां बारे जिज्ञासा पैदा होंदी है, जां फिर अध्यापक अपने वल्लों रोक के उसनूं उन्हां शब्दां दे अर्थ समझाउंदा है, इस नाल बच्चा उन्हां नूं प्रयोग करना सीखता है, इस तरह उसकी भाषा विच नवें शब्दां दे भंडार इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसनूं जिंदगी विच हरेक जगह ते उसनूं इस्तेमाल या प्रभाव प्रयोग कर सकता है। उसदे शब्द भंडार विच वाधा करना, यह वाचन दे उद्देश ने, नाल ही स्वै अध्ययन द्वारा सेल्फ
बाइबल स्टडी द्वारा अपने ज्ञान नूं अमीर करना। ज्ञान नूं अमीर करन दा मतलब सिर्फ पाठ पुस्तकां नहीं, अखबारां भी हो सकदियां, मैगजीनस यानी रसाले हो सकदे है, इस तों अलावा कोश ने, डिक्शनरी है, विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया और नाल संदर्भ ग्रंथ ने, संबंध संदर्भ यानी रेफरेंस बुक्स ने, रेफरेंस ग्रंथ ने, उन्हां दा लाभ उठा के अपने अध्ययन राहीं, स्वै अध्ययन राहीं अपने शब्द भंडार विच वाधा कर सके। अगली गल है ज्ञान प्राप्ति नाल मनोरंजन, सब तों वड्डी गल है। पुराने समय अजकल ते क्योंकि मीडिया के बड़े सारे साधन आ गए, सिर्फ श्रवण तक ही रह गए, परंतु जो पठन का जो आनंद है वह किसी विच नहीं है। जो बंदा किसी विद्वान की गल सुन तो लैंदा है, परंतु जब तक उस को पुस्तक नहीं है, उसको पढ़ नहीं सकता, वह आनंद नहीं बन सकता। क्योंकि यह सारी जो खेड है ना अपने अंदर की संतुष्टि की, यह किताबा करके ही है, किताबा ने पढ़ने विच ही है। इसका मतलब है कि जिदा पहले कहते हैं या असं कहने सुनते हाँ भी किताबा किसी विद्यार्थी किसी मनुख दिया सब तो बेस्ट फ्रेंड ने, सब तो चंगिया मित्र ने। क्योंकि जो इकला हों, जो वो भीड़ विच भी हों, उस समय वो किताबा राही अपने ज्ञान की गल सांझी कर सकता, पुस्तकों की गल अपने तक पहुँचा सकता। इस करके उसका मनोरंजन का भी सब तो वड्डा साधन है। वो नावल पढ़ सकता है, कविता पढ़ सकता है, कोई कहानी पढ़ सकता है, कोई नाटक पढ़ सकता है। इसका मतलब है भी पुस्तकों विच जो बंद ज्ञान है ना, वो फिर पठन अगली जो मेन पॉइंट है भी पुस्तकों में जो बंद ज्ञान है, जो विद्यार्थी उन्होंने खोल के पढ़ता है तो वह ज्ञान उन्हें साझा हो जाता है, पुस्तकों में बंद ज्ञान तक उसकी पहुँच आ जाती है बच्चे की। इस करके जमात में पठन कौशल वाल ज़्यादा ध्यान, वाचन कौशल वाल ज़्यादा ध्यान दिता जाता है और उसकी जानकारी में वाधा होता है। जो अंतिम पॉइंट है वह है जो बच्चा इस वाचन कौशल में सुशिक्षित हो जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसका जो वाचन है प्रभावशाली बन जाता है और अपने उद्देश अनुसार सफलता प्राप्त करता है और संसार विच अच्छा वाचन करन वाला वो मान पाउंदा है। यह भी उसका उद्देश है भी व्यक्ति नू समाज विच माण दिवाना, इस वाचन कौशल का एक मंतव है, एक उद्देश है। और बाकी रही सब तो लास्ट गल भी व्यक्तियां ते समाज ते प्रभाव पा सकता है ऐसा अच्छा पठन करन वाला, वाचन करन वाला। और सब तो चंगी गल है भी पंजाबी साहित्य लई बच्चों विच प्यार पाउण लई इस कौशल नूं वध तों वध वरत्या जाना चाहिए। बच्चे पंजाबी प्रति प्यार पैदा करन लई, प्यार नूं उत्पन्न करन लई वध तों वध पंजाबी दे नाटक, नावल, कहानी संग्रह पढ़न, तां जो उन्हां दा वास्ता उन्हां पुरातन, नवीन, मत आधुनिक और मध्यकालीन कवियां नाल जो उन्हां दा रिश्ता बन सके, सांझ पैदा हो सके, तां जो खजाना इन्ना अमीर विरसा साडियां पुस्तकां विच पिया वो बच्चे दे बच्चा उस परंपरा नूं अगे तोर सके, अपने राहीं अगली पीढ़ी तक उसनूं पहुँचा सके। नवी वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर यह वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो ते इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।